हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू। दोस्तों, आज वर्णमाला का अंतिम क्लास, अंतिम वीडियो है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए व्याकरण में हमेशा हमेशा आने वाला कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि कभी ना कभी आते रहता है, रिपीट होते रहता है दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं मेरे पास, ये सभी वर्णमाला के हैं दोस्तों। तो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ, ये पटवारी 2016 में आया हुआ था, पटवारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें था त वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ग क्या होगा, क्या है मतलब त वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ग है। तो उसमें ऑप्शन में था या न र और म। इस क्वेश्चन में था दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ, ए नंबर में था या और फिर क्या बोलते हैं, डी नंबर में था न और डी तीसरा में था ड और म, इस टाइप का था दोस्तों। तो मैं बोला कि ट वर्ग के अंतिम वर्ण, ट वर्ग जो होता है मतलब ट वर्ग का कहना मतलब ट ठ ड ढ ड ट ड ढ ड मतलब ट वर्ग का अंतिम, ट वर्ग के लाइन के अंतिम वर्ण कौन सा होगा। तो वर्ड ड इसका आंसर था दोस्तों, ये वाला इसका आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, प वर्ग के अंतिम व्यंजन, प वर्ग के अंतिम व्यंजन कौन सा होता है, ऐसा करके था। ये क्वेश्चन था राजस्व निरीक्षक 2015, राजस्व निरीक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि प वर्ग के अंतिम व्यंजन कौन सा होते हैं। तो इसमें ए नंबर में था फ और बी नंबर में था ब और सी नंबर में था म और डी नंबर में था न। ठीक है, एक क्वेश्चन था राजस्व निरीक्षक 2015 का दोस्तों। इसमें क्या था, क्वेश्चन बोला था प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है, प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है। कहने का मतलब प वर्ग मतलब प वाले लाइन में अंतिम में क्या आता है, तो इसमें होगा आंसर म। अगर मैं बोलूं प फ ब भ म, अंतिम में म आ रहा है, तो वही आंसर पूछ रहा था कि म। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या होगा, प वर्ग मतलब प लाइन का अंतिम व्यंजन कौन सा होगा, तो म होगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सहायक प्रबंधक 2015 का है दोस्तों। सहायक प्रबंधक का क्वेश्चन, सहायक प्रबंधक का पेपर हुआ था दोस्तों 2015 में। उसमें क्वेश्चन पूछा था ई और ई के प्रयोग के वर्ग, सॉरी ई और ई मतलब छोटा ई और बड़ा ई किस प्रकार के वर्ग हैं, वर्ण हैं, किस प्रकार के वर्ण हैं, मतलब ये वाला ई और ई जो बड़ा ई और छोटा ई किस प्रकार के वर्ण हैं। तो पहला नंबर में ऑप्शन था कंठ, कंठ्य और दूसरा नंबर में था दंत्य और तीसरा नंबर में था दंत ओष्ठ और चौथा नंबर में था तालव्य। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसका ये था कि ई और ई जो होता है मतलब छोटा ई और बड़ा ई जो होता है वह तालु से निकलता है कि कंठ से निकलता है कि दंत से निकलता है कि दंत ओंठ से निकलता है। ये सहायक प्रबंधक 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ई और ई जो होता है तो वह तालव्य से निकलता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तालव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन सहायक प्रबंधक 2015 का ही दोस्तों, यह भी वर्णमाला से ही है। तो इसमें आया था क्वेश्चन सहायक प्रबंधक 2015 में कि पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में क्या कहा है, पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में क्या कहा है। तो उसमें ऑप्शन में य पहला ऑप्शन में था लयद, यलद ऐसा लिखा हुआ था, ऑप्शन ए में था यलद, दूसरा में था बी नंबर में था यरलव ऐसा था यरलव और सी नंबर में था गढ़ और डी नंबर में था दोस्तों यड़।
यही वाला यड़ आंसर होगा। इसमें मैं क्वेश्चन क्या बोला कि पाणिनि ने य र ल और व को संक्षेप में क्या कहा है, पाणिनि ने, ठीक है, ये सहायक प्रबंधक 2015 में आया था दोस्तों, ठीक है, तो यड़ इसका सही आंसर होगा। पाणिनि ने य र ल व को पाणिनि ने यड़ कहा है, य और र, य याद रखिएगा, ऑप्शन में गण भी था तो गण नहीं होगा, यड़ होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ दोस्तों, सहायक प्रबंधक 2015 का ही है, ये भी सहायक प्रबंधक 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसमें, मेरे लाइन में पांचवा नंबर का है। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। इसमें कथन दिया है चार ठो ए बी सी करके, तो सही कथन चुनना था। पहला नंबर में लिखा है देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। ए नंबर में लिखा है देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 होती है, ठीक है, बताना है सही है कि गलत है दोस्तों। तो बी नंबर में लिखा है व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहायता से होती है, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र स्वर नहीं दोस्तों, सॉरी, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। बी नंबर में बोला है कि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये गलत है दोस्तों। मैं इसको बताया था कि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, व्यंजन के उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जबकि स्वर की उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें मैं बोला, पहला नंबर में मैं बोला था देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 होती है, इसमें बोला है तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 नहीं होती है, 52 होती है, ठीक है। इसके बाद आता है स्वरों की, तीसरा नंबर ऑप्शन था स्वरों की संख्या वर्णों की संख्या से अधिक होती है, स्वरों की संख्या वर्णों की संख्या से अधिक होती है, तो दोस्तों वो एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वर 11 होते हैं, ठीक है, और व्यंजन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और डी नंबर में था स्वर ध्वनियां वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर ध्वनि जो होते हैं वह व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, मतलब व्यंजन को उच्चारण करने में सहयोग करते हैं, कौन करता है तो स्वर करता है, ठीक, ये बिल्कुल सही था, मतलब डी नंबर सही आंसर था। अब मैं छठवां नंबर क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, ये भी सहायक प्रबंधक भर्ती 2015 का ही है। इसमें पूछा था अक्षर त्र और ज्ञ इनमें से किस वर्ग में आता है, ठीक है, अक्षर त्र और ज्ञ इनमें से किस वर्ग में आता है, तो ए नंबर था संयुक्त व्यंजन, बी नंबर में था दीर्घ व्यंजन, और सी नंबर में था स्वर, और डी नंबर में था तो व्यंजन बस था, ठीक है। मैं ए नंबर में बोला संयुक्त व्यंजन, बी नंबर में दीर्घ व्यंजन, और सी नंबर में स्वर, और डी नंबर में व्यंजन, तो अक्षर त्र और ज्ञ दोस्तों पहला वाला आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। मैं बोला एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं, अक्षर त्र ज्ञ, अक्षर त्र ज्ञ और स्र, ये स्र, ठीक है, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन इसलिए दोस्तों क्योंकि ना ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, संयुक्त होके बनते हैं, मिल के बनते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन किस किस वर्ण से मिले होते हैं इन लोग, तो ये जो होता है छ जो होता है वह क और श, क और श मिलकर ये छ बनता है, ठीक है, क में हलंत रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, क में ही हलंत रहता है, स में हलंत नहीं रहता है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ क और फिर प्लस ऐसा वाला स जो होता है ये दोनों मिलकर छ बनता है, ठीक है,
और फिर इसके बाद में लिखा है त्र। त्र जो होता है वह त और त और र, त और र के मिलने से बनता है त्र, ठीक है। तो त्र बनता है, तो इसको क्या करिएगा, मतलब ऐसे त में ही हलंत रहेगा, त प्लस र, त प्लस र मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ अक्षर त्र और ज्ञ। ज्ञ जो होता है तो ज्ञ जो होता है वह ज और ज में हलंत रहेगा, ज और ञ, ज और ञ, ज और ञ मिलकर ज्ञ बनता है। और स्र क्या क्या चीज से बनता है, तो स्र जो होता है वह ऐसे वाला स, इसमें हलंत रहेगा, फर्स्ट वाले में हमेशा हलंत रहता है, और र मिलकर स्र बनता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये सभी इस चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक। मैं बोला कि अक्षर त्र ज्ञ और स्र जो होता है वह संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक। इसके बाद सातवां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह सहायक श्रम अधिकारी निरीक्षक भर्ती, इसका एक किस में आया था, तो सहायक श्रम अधिकारी निरीक्षक भर्ती में आया था दोस्तों। इसमें क्वेश्चन यह था कि फ व्यंजन के उच्चारण कहाँ से होता है, फ जो होता है उस व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है था। तो पहला नंबर में ऑप्शन था कि कंठ से, दूसरा नंबर में था होंठ से, और तीसरा नंबर में था दंत से, और चौथा नंबर में था तालव्य से। तो दोस्तों मैं बहुत बार इसमें बताया था कि प फ ब भ जो होता है वह क्या बोलते हैं कि कंठ से, होंठ से निकलता है, मतलब होंठ ही ज़्यादा हिलता है, प फ ब भ ऐसे बोल के देखिएगा तो उसी फ को बोल रहा है कि कहाँ से निकलता है, तो फ जो होता है वह ओंठ से ही निकलता है, इसका ओंठ मतलब बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहायक श्रम अधिकारी निरीक्षक, उसी का क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान है, ठीक है। पहला नंबर में लिखा हुआ था दंत ओंठ, पहला नंबर में था दंत ओंठ, दूसरा नंबर में था कंठ, और तीसरा नंबर में था कंठ तालव्य, और चौथा नंबर में था ओंठ। तो व का उच्चारण दोस्तों दंत ऊंठ से होता है, दंतोष्ठ से होता है, ऐसा लिखिएगा दंतोष्ठय, दंतोष्ठ मतलब दंत और ऊंठ, दांत और ऊंठ दोनों जगह से क्या होता है व का उच्चारण होता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये भी सहायक प्रबंधक निरीक्षक भर्ती का है, सहायक श्रम अधिकारी निरीक्षक का ही है। नीचे क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, नीचे लिखे स्वरों में कौन से स्वर आगे आने वाला स्वर है, इसमें क्वेश्चन था नीचे लिखे गए स्वर में कौन सा स्वर आगे आने वाला स्वर है। तो पहला नंबर में था दोस्तों बड़ा आ, और दूसरा नंबर में था ओ, और तीसरा नंबर में था ऊ, और चौथा नंबर में क्या था बड़ा ई। तो ओ जो होता है मतलब ऐसा वाला, ओ जो होता है ओ जो होता है आगे आने वाला स्वर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, नीचे लिखे गए स्वर में कौन सा स्वर आगे मिलने वाला स्वर है, तो ओ जो होता है ना वह आगे मिलने वाला स्वर है। और एक तो संयुक्त भर्ती 2017 का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त भर्ती 2017, ठीक है। इसमें पूछा है कि द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं, तो द्विगुण व्यंजन जो होता है ये सभी मैं, मेरा पिछले वीडियो देखेगा तो सबको मैं बहुत ज्यादा डिटेल से बताया हूँ दोस्तों। द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी ऐसा करके था, तो इसमें था ड और ड ऐसे, और इसके बाद था ऐसे बिंदु कर दिया था, सॉरी इसमें ऐसे था, ठीक है, और इसमें ये दोनों में बिंदु था, ठीक है, और इसमें ऐसे और ऐसे था, और इसमें था कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो ये जो बिंदु रहेगा इसको याद रखिएगा, यही द्विगुण व्यंजन है दोस्तों, इन्हीं का दो ठो गुण होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, ठीक है। संयुक्त भर्ती 2017 में पूछा था कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो ये बिंदु वाला ही द्विगुण व्यंजन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, ये अमीन 2017 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा था बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, इसमें पूछा था बड़ा उ जो होता है, मतलब इस प्रकार का जो उ होता है, बड़ा उ से तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा बड़ा उ होता है, तो बड़ा उ जो होता है वह किस प्रकार का स्वर होता है, कि इसमें ऑप्शन में था अग्र स्वर, दूसरा में था मध्य स्वर, तीसरा में था पश्च स्वर और चौथा में था इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा छूटा हुआ था, मैं इसको मैं अभी बता दूंगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्या होते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, इसको मैं बताऊंगा। वो जो होता है वह यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ कि क्या होता है, वो जो होता है वह पश्च स्वर होता है दोस्तों, ठीक। इसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक। वो जो होता है वह पश्च स्वर होता है, अमीन 2017 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अमीन 2017 का ही है, प के प किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ प किस प्रकार का व्यंजन है। पहला नंबर में था स्पर्श व्यंजन, दूसरा नंबर में था पार्श्व व्यंजन, तीसरा नंबर में था लुठित व्यंजन और लुठित व्यंजन, और डी नंबर में था नासिक के व्यंजन। तो प वर्ग जो होता है, प वर्ग या फिर प क से लेकर पूरा य र से ऊपर वाला जो होता है वह सब स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन होता है। ये सभी को मैं अपना वीडियो में बताया हूँ, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन में बताता हूँ दोस्तों, अभी अभी कुछ दिन पहले संयुक्त भर्ती 2018 में हुआ था, संयुक्त भर्ती का, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर साइक ग्रेड 3 का हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था स्वर है, बस इतना ही क्वेश्चन था स्वर है, ठीक है। तो उसमें यह नंबर, ये मतलब पहला नंबर में था, पहला ऑप्शन में था स्वर एवं स्वर, स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, पहला नंबर में मैं बोल रहा हूँ स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, दूसरा नंबर में था स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, और तीसरा नंबर में था व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, ठीक है। तीसरा नंबर व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, और चौथा नंबर में था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये था कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर और स्वर का मेल जो होता है उससे स्वर बनता है, उसी को स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ छूटा हुआ था वर्णमाला का, क्योंकि ये अंतिम क्लास है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, वर्ण जो होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब स्वर व्यंजन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से, किस किस भाग से मुंह के होते हैं। तो नासिक के व्यंजन आपको पूछेगा दोस्तों, तो वर्णमाला में नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, तो वर्णमाला में नासिक व्यंजन 6 होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला कौन सा होता है, तो अंग होता है, और क वाले लाइन में जो अंतिम वाला क ख ग घ अंग जो होता है ना, अंग वो भी नासिक के होता है, मतलब अम होता है, अम होता है, अंग होता है, इय होता है, ड होता है, न होता है, म होता है, कुल कितने 6 जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि नासिक के, नासिक वर्ण 6 होते हैं, अगर आपसे पूछे व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन यहाँ से है, ये पूरे व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, तो नासिक के व्यंजन 5 होता है, और अंग को मिला दिया जाए तो नासिक के व्यंजन 6 होते हैं, मतलब स्वर कितने होते हैं, नासिक के स्वर कितने होते हैं, तो नासिक के स्वर 1 होता है, अंग होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछे, अभी क्वेश्चन में आया हुआ था इसलिए मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ आप लोग को, क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, तो मैं इसको पूछा हूँ सबको कि ऊंट, ऊंट से क्या क्या निकलता है, तो ऊंट से ऊ ऊ दोनों ऊ और प वाला पूरा लाइन, प वर्ग,
उ जो बोलूंगा, छोटा उ और बड़ा उ जो होता है वह कहाँ से निकलता है, तो ऊंट से निकलता है और प वाला पूरा लाइन, ठीक है। इसके बाद तालु से क्या क्या निकलता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं अभी बताया हूँ उसमें से पढ़ के। तो तालु से क्या क्या निकलता है, तो ई मतलब दोनों ई और च वर्ग, य और श। श मतलब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा वाला इस स जो होता है यह तालु से निकलता है, ठीक है। तीन प्रकार के स होते हैं, तो ये जो स होता है वह क्या होता है, तालु से निकलता है। दोस्तों मैं तालु से क्या बताया, दोनों ई छोटा ई और बड़ा ई और च वर्ग मतलब च वाला पूरा लाइन, च छ झ ञ पूरा, च छ झ ञ और य और श जो होता है वह तालु से निकलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देते हैं, यहीं से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे आता है जैसा कि मैं अभी बताया, ठीक है। लेकिन इसको याद जरूर करिएगा, ठीक। इसके बाद मैं बताता हूँ कि कंठ, कंठ से क्या क्या निकलता है, तो छोटा अ, बड़ा आ और अह और क वर्ग और ह जो होता है, मतलब कंठ से क्या निकलता है, तो छोटा आ बड़ा आहा जो होता है विसर्ग, और क्या बोलते हैं, क वर्ग का कहने का मतलब क ख ग घ ञ, क ख ग घ ञ पूरा लाइन, क वर्ग पूरा, और ह जो होता है वह कंठ से निकलता है दोस्तों, ठीक है। दांत से, दंत से क्या क्या निकलता है, तो दंत से त वर्ग कहने का मतलब त थ द ध ञ पूरा, और श जो होता है मतलब ऐसा जो लिखते हैं, ये श जो होता है यह कहाँ से निकलता है, तो दंत से निकलता है यह श। त वर्ग और ये श जो होता है दंत से निकलता है। मूर्धा, मूर्धा से क्या क्या निकलता है, तो री, री जो होता है वह मूर्धा से निकलता है, और ट वर्ग मतलब ट ठ ढ ये सब क्या होता है, मूर्धा से निकलता है दोस्तों, ठीक है। और क्या बोलते हैं, श जो होता है मतलब ऐसा वाला स, ये स जो होता है यह कहाँ से निकलता है, तो मूर्धा से निकलता है। मैं बोला कि ऐसा वाला जो स होता है वह तालु से निकलता है, जबकि ये स जो होता है वो कहाँ से निकलता है, मूर्धा से निकलता है, और ऐसा वाला स जो होता है ये स कहाँ से निकलता है, तो दंत से निकलता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी बताया था कुछ देर पहले। तो अग्र स्वर किसको कहते हैं, मध्य स्वर किसको कहते हैं, पश्च स्वर किसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अग्र स्वर क्या होता है, ई और ए और ए मतलब इसमें क्या होता है, जीभ का आगे वाला भाग का प्रयोग ज्यादा होता है। ई बोलिएगा तो ज्यादा जीभ का आगे वाला भाग का प्रयोग होगा, दोनों ई बोलने से और ए बोलने से भी जीभ का आगे वाला भाग का प्रयोग होता है, मतलब यह अग्र स्वर है, ठीक। इसके बाद आता है मध्य स्वर, तो मध्य स्वर छोटा अ जो होता है वह मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर क्या क्या होता है, तो बड़ा आ, बड़ा छोटा उ, बड़ा उ ओ औ, मैं बोला बड़ा आ उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ दोनों, ओ और औ दोनों, ये सभी क्या होते हैं, पश्च स्वर, ठीक है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, अब वर्णमाला यहीं से समाप्त होता है, मैं अगला हिंदी का अगला क्लास कल से चालू करूंगा, ठीक दोस्तों।